राशन डीलर समन्वय समिति जिला ब्यावर ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राशन डीलर समन्वय समिति जिला ब्यावर के सदस्यों ने राशन डीलर एकता जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो सरीक के नारेबाजी की। नारेबाजी करने के पश्चात समिति के सदस्यों ने 803 मांगों को लेकर कलेक्टर रोहिताश सिंह को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में राशन डीलरों ने न्यूनतम इनकम गारंटी 2000 अथवा 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन वृद्धि करने, 1% छिजत का प्रावधान करने, अन्नपूर्णा फूड पैकेट का कमीशन 30 रुपए प्रति पैकेट करने, पिछले 5 माह का कमीशन समय पर दिए जाने सहित बायोमेट्रिक सत्यापन गेहूं साथ ही एक ही बार में अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण करवाने, पोस्ट मशीन की कटौती में संशोधन करने तथा प्राधिकार पत्र संशोधन के आदेश एवं नोटिफिकेशन जारी करने सहित अन्य मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कैलाश चंद, गोपाल शर्मा, दीप सिंह, अल्ताफ अहमद, रामसुख मालाखा, राजेंद्र सिंह, रणजीत चौधरी, राजकुमार सिंह, प्रीतम सिंह, कमरू काठात, मोहम्मद शाकी, लीलाराम खत्री, शाहबुद्दीन काठात, कैलाश गोपाल सिंह तथा सूरज साखला सहित अन्य राशन डीलर शामिल थे। ब्यावर शहर की पूरे राजस्थान की राशन की दुकानें बंद हैं और सभी ग्रामीण और शहर के सभी उपभोक्ता परेशान हैं। दिनांक 31 को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि राशन वालों की मांगे सुने और हमारी समस्या का समाधान करें। आज 10 दिन बाद तक कोई भी सरकार फैसला नहीं कर पाई है। आज हम ब्यावर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और कल हम ब्यावर कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठेंगे, जो हमारा धरना दिन रात चालू रहेगा। और राशन वालों की भारी मांग है कि उनको भी एक एक साल 7-7 महीने से कमीशन नहीं मिल रहा है। लोग फ्री में गेहूँ जनता को बांट रहे हैं, उसको ना तो कमीशन आ रहा, ना किराए का पैसा आ रहा, और भी पूरे राजस्थान के राशन डीलर ग्रामीण और शहर वाले परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए और मजबूरन ये हड़ताल करी है, सरकार का ध्यान में लाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी राशन वालों की सुनवाई करें और हमारा कोई ना कोई निर्णय कराकर सभी आमजन को, राशन वालों को राहत दिलाएं।